वर्णांक निर्माण के कितने चरण हैं? यह काफी महत्वपूर्ण है कि सीसी में वर्णांक जो है किस तरह से निर्माण किया जाता है, कितने चरणों में निर्माण किया जाता है। तो यहां पर हाईलाइटेड भी किया गया है कि सीसी में विषय निर्माण के कुल नौ चरण है। वर्णांक के कितने चरण हैं? कुल नौ चरण है सीसी में। जो क्लास नंबर जो निर्माण किया जाता है उसके कितने चरण होते हैं? नौ चरण होते हैं, जिसमें अंतिम चरण सत्यापन होता है। ध्यान देने वाली बात है कि पहला चरण स्टेप जीरो, दूसरा चरण स्टेप वन, तीसरा चरण स्टेप टू, चौथा चरण स्टेप थ्री, पांचवा चरण स्टेप फोर, छठा चरण स्टेप फाइव, सातवां चरण क्या होगा? आठवां जब स्टेप एट, मतलब नौवां चरण। क्योंकि चरण की शुरुआत ध्यान में दीजिएगा कि चरण की शुरुआत जीरो से किया है। रंगनाथन महोदय ने जीरो से शुरू किया है, स्टेप जीरो, रॉ टाइटल। दूसरा, तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीसी का हमें वर्णांक निर्माण के कितने चरण होते हैं? तो नौ चरण होते हैं। अंतिम चरण क्या होता है? पहला चरण क्या है? पहला चरण रॉ टाइटल पूछेगा। दूसरा चरण क्या है? एक्सप्रेसिव टाइटल। तीसरा चरण क्या है? कर्नेल टर्म। चौथा टाइटल चरण क्या है? एनालाइज टाइटल। पांचवा क्या है? ट्रांसफॉर्म टाइटल। छठा क्या है? टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म। सातवां क्या है? टाइटल इन फोकल नंबर। और सातवां क्या है? क्लास नंबर बनाना, जो सातवां स्टेप सेवन, मतलब आठवां चरण। आठवें चरण में हम जब जाएंगे, स्टेप सेवन मतलब आठवां चरण जो होगा उसमें क्लास नंबर का निर्माण किया जाता है। और अंतिम जो होता है स्टेप एट, यानी कि नौवां चरण जो होता है उसमें वेरिफिकेशन, सत्यापन की प्रक्रिया होती है कि हमने जो बनाया वो सही है कि नहीं है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट चीज हो गया, कितने चरण का? नौ चरण। कौन कौन सा चरण है? स्टेप जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। इसका क्या नाम है? इसको याद रखिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आठ चरण, नौ चरण का जो हम लोगों ने नौ चरण का हमने जो वर्णन किया, उससे संबंधित और इंपॉर्टेंट, पहला चरण जो होता है जीरो से लेके फोर, मतलब पहले से लेके पांचवा चरण, जीरो से लेके फोर चरण जो है, मतलब पहले जीरो से लेके जो चार चरण तक है, जो चार चरण तक जो है वह आइडिया प्लेन से संबंधित होता है। चार चरण जो होता है वह होता है आइडिया प्लेन से संबंधित। पांचवा चरण हर्बल प्लेन से संबंधित होता है। रंगनाथन ने तीन तरह के प्लान का वर्णन किया है, हम लोग आगे उसको देखेंगे। आइडिया प्लान, हर्बल प्लान और नोटेशनल प्लान। ये काइनन्स, रंगनाथन द्वारा जो काइनन्स दिए गए हैं, काइनन्स ऑफ लेवलिंग क्लासिफिकेशन, उसमें दिया गया है, चर्चा किया गया है तीन तरह के प्लान का, आइडिया प्लान, वर्बल प्लान, नोटेशनल प्लान। तो एक चार चरण जो है जीरो से लेके चार चरण जो है वो आइडिया प्लान से संबंधित होता है। पांचवा चरण जो होता है वर्बल प्लान से संबंधित होता है। छठा और सातवां नोटेशनल प्लान से संबंधित होता है, इसको भी याद रखिएगा। और अंतिम चरण जो होता है वह सत्यापन होता है।